व्यूअर्स, एटीएस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं कबेज के पकोड़े बना रही हूँ, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक कबेज को मैंने आधा बहुत ही बारीक टुकड़े में काटा है। अब मैं इसमें कुछ मसाला डाल रही हूँ। ये खड़ा जीरा है, एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर है और आधी टीस्पून जीरा धनिया पाउडर है और एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। और ये आधी टीस्पून अजवाइन है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। और एक प्याज, मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक बारीक काट कर इसमें डाल रही हूँ। मैंने काटा है तो इसे मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी धनिया पत्ती है और लंबी कटी हुई हरी मिर्च है 3 से 4 और थोड़ी सी करी पत्ता है। इस बर्तन में मैं डालकर मैं सब चीजों को अच्छे से मिला रही हूँ। अच्छे से जब मिल जाएगा तो मैं इसमें 4 टेबल स्पून बेसन डालूंगी। और 1 टेबल स्पून चावल के आटे मैं डाल रही हूँ। इसे खूब अच्छी तरह मिलाएं और जब इसमें से थोड़ा पानी आ जाएगा तो वो अच्छे से और मिल जाएगा। अगर थोड़ा पानी की ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने इसे मिलाया है, इसमें थोड़े से पानी की जरूरत है, 2 से 3 टेबल स्पून। देखिए, ये मिलाकर इस तरह का दिखना चाहिए, बिल्कुल सब मिला हुआ है एक जैसा। अब हम इसे कढ़ाई में गरम तेल करेंगे और इसे छानेंगे। इसे 2-3 मिनट के लिए हम रखते हैं, तब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा। तलने के लिए तेल गरम हो चुका है, अब इसे मैं तल रही हूँ। देखिए, थोड़ा दूसरे स्टाइल में इसको तलना है, भजिया की तरह। इसे भजिया की तरह तलना है। इसे हल्के हाथों से इस तरह हिलाएं, धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे हिलाएं। अब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, ये पूरा पक गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। देखिए, ये कैबेज के पकोड़े बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सॉस के साथ आप सर्व करें और इसे रेसिपी को ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।